जटायु वो तेरा भाई कहां से बोला? रिंकुआ, अरे रिंकुआ, अरे ही आओ लम्बरदार तो हूँ कबल आवत हुए अकेले के बस कर थामे लौंडिया। हाँ कहिए छोटे, ये बताओ किराधा ईश्वर कहाँ मिलेगी हमें? राधा इस समय अपने खेत की तरफ जा रही है। हाँ हाँ, तुम जाकर राधा को पता लगाओ किस वक्त कहाँ जाती है, क्या करती क्या नहीं करती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और जैसे ही खबर लगे हमें आकर खबर दो। और तुम्हारा काम है क्या है जानते हो? काम है तुम साले हमारे साथ ही रहना। अरे वो तो हम तुम्हारे आगे पीछे रहबे करबे। आगे पीछे क्या करेगा? अरे बाबू वही जोन करे का तुम कहियो करो तो करे लागब। हम क्या कहेंगे? ड्यूटी। अरे बाबू ड्यूटी, आप कहोगे कि इसे मार दो तो मार देंगे, आप कहोगे कि इसे उठा लो कि गोली मार दे तो मार दूंगा। गोली मार देना, मार दूंगा साले। अगर आना कहानी किया ना तो हम पहले बोल दिए बाबू, कह के देखो आप भाई मार दी गोली। अरे नहीं मारना है, वक्त आने पर ठीक है, वक्त आने पे रहना क्या है। अरे सुना हो ससुरे माँ के, सुना हो ससुरे माँ, अड़बड़ बात सुना हो ससुरे माँ, अड़बड़ बात सहरी मछरिया बकुलवा कली लई, सहरी मछरिया बकुलवा कली लई, अरे मिचकुर नील ली है अजगर का, नहीं वो बात सुना हो। भैया हरे राम राम, काजनी हमारे रिंकुआ हरामी, अच्छा दिन होगा गायब है, कहूं देखात नहीं, तई के रहा थे तो मालिश वालिश कह दिए थे, कहे थे कि तबीयत हमार बहुत खराब यह है। अरे काका राम राम, राम राम बेटवा, राम राम। आओ ठीक रहू वाह, आओ ठीक रहो काका। ठीक रहू का वा? अरे मासे के जवान आए काका, निकल आवा तो काट के फेंक न दे भाई। कहा बेटवा ठीक है? कहा है काका, जब जब हम आवत रहे तो बहुत खुशी रहत रहे, आज कहा है जौन दिन पे दिन एकदम झूरा। अरे एक हफ्ता हो गया बहुत तकलीफ यह है। कहा है काका? अरे अपना कहा, अरे बुखार बुखार परेशान हो गयी बहुत खाते बकाती। अच्छा काका ये बताओ, हाँ का तुम्हारे गांव में भगवान वीर पेले हैं? एक बताओ, एक बात यह बताओ काका। कौन बात? तुम्हारे खांसी आवत है? हाँ। अगर खांसी आवत हुए काका तो कोरोना चेक करवा लियो। अच्छा, अरे कोरोना का हम दो सुई लगवाए हैं बेटवा। दो सुई लगवाए काका, आराम नहीं मिला? नहीं काका, ऐसा करो एक सुई हमारो लगवा लियो। हाँ? हम कहे तो फूल आराम मिल जाये। अच्छा? ए काका तो लगा दे बेटवा। अरे मनुहान हो लगावे का? अरे तबियत ठीक हो जाए ना काका। एक काम करो। कौन काम? तुम चले जाओ परैया। हाँ परैया चले जाओ और स्टोर में ले लियो माला डी के टिकिया। माला डी के टिकिया अब वो का कसके खाओ काका, हम कहे तो सेहत निकरा चला आई कौनो फल नहीं। ये माला डीके टिकिया का हुए? अच्छा तो ऐसे नहीं तो एक काम करो, दारू हचक के पियो, ना दारू मिले तो ठेकहवा पियो, 65-70-80 माँ बाबा थे। अच्छा, और ना दारू मिले तो काका फिर तू चिपड़हवा पियो गांजा। ये सब बंद कर दी भैया, गांजा से ना आराम मिले काका।
तो पियो जाए घर कुट्टी महुआ वाली, और अगर वहू से आराम ना मिले तो पियो काका बीड़ी। सबसे बढ़िया बीड़ी लिया है, सेहत के लिए लाभदायक। अगर वहू से आराम ना मिले काका, अगर वहू से आराम ना मिले तो उरुद के दाल और माठा और चीनी मिलाए के दो गिलास हाँ चीजे तुम्हार खांसी बाहर हो जाए। सुना सब जने बकबक बकबक करे और ये बन नहीं जानो काका हम कहे अरे लड़कवे आए जाई है हाँ तो दौन गंदाई गंदे है ना कि दो जने ठंडा हो जावा। अरे काका हम दोनों भाई तुम्हारे लड़कवन का हम देखे रह भाई और तुम्हारे राधा बिटियों को हम देखे रह भाई, तुम टेंशन ना लियो, तुम बैठो काका हम बीड़ी पिया दे। अब आए सुन लौंडे, अब आए सुन। हाँ काका। अब आए हमारे बेटवा विशाल और राकेश। हाँ हाँ काका। अब आ जाइए है पूरे परिवार राधा बिटिया, अब बीड़ी पियाई के बहन परेशानी बाढ़े एक जान दे। तुम बैठो तो बताए बैठो 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 हेलो हेलो राधा हम बैला जा तू को बैला जा रहा रुक जा सब जने के रख होगा हमो का बीड़ी ला नहीं मारब तमाचा तो गिर जाई हो भाई बीड़ी ला जलाया मास्टर बीड़ी तुम बताओ तो बीड़ी लेके नहीं आए कहां मांगा थी काका और आगे सर की हो जब जब तुम बुला दो तब तब तुम सठिया थे। एक बात बताओ काका या चीज तो तुम जानते हो लड़का तुम्हारे यहाँ आई है ना हम देखे रह भाई। अच्छा। एक बात यह बताओ काका काकी है कि नहीं ना काकी कहाँ है बेटा काकी तो चार पांच साल हो गया खत्म हो गई भगवान की चली गई काकी नहीं ना नहीं। तो काकी नहीं वह काका काकी नहीं ना तो करत कैसे हुई हो। अरे मान के चलो काकी नहीं ना तो इस तरह भी इस तरह के लगाओ तो ही खाना पीना के बना के दे तो लड़का है नहीं बेटी वह हमार राधा। हाँ काका वह है बतावा कहे कि तुमका भगवान विशाल राकेश सब। हाँ काका कहा तुमका भगवान किया जाए का है हम कहिए रहे का है काका पियो पियो। अरे कौन बीड़ी आए हो यह काका धीराजा है धीराजा धीराजा बीड़ी कब से चल गए। अरे ये काका ऐंचो जैसे भट्टा सुलगाओ ऐंचो लड़कवन का हम देखे रह भाई भैया ये बीड़ी कहाँ फेंकती है बीड़ी आपने देख लिया ना हाँ। कि डॉक्टर साहब कितना मना करते हैं इनकी तबीयत कितनी खराब है लेकिन इसी तरह हम आपसे चोरी करके बीड़ी पीते हैं और वो दोनों कहाँ गए जो इनको बीड़ी पिला रहे थे। बाबूजी हम इतना परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे लेकिन तुम ये बीड़ी पी पी कर अपनी तबीयत खराब किए रहते हो आप क्यों बीड़ी पीते हो। अरे हरामी जो जबरदस्ती क्या बड़े भैया जरा इनकी खबर करिए लगता है कि बाबूजी को ये लोग अच्छा नहीं होने देंगे। बाबूजी मगर ये लोग आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई और हमारी बहन क्या करेंगे। लड़के ये जब बिगड़े हैं लेकिन साथ का परवाह मालूम नहीं लेकिन बाबूजी वो गया कहाँ। अरे उसे बुलाओ तो पहले। अरे रिंकू अरे बेटा रिंकू रिंकू हाँ हम लंबरदार से कह देता
यहाँ चुपके सुना अच्छा अरे यहाँ आओ तो चप रही रोकत रहे कि बीड़ी न पियाओ क्यों ये बता कि बाबूजी की दवा इतनी दिनों से चल रही है उनकी तबीयत कितनी खराब रहती है और तू हराम खोर बाबूजी को बीड़ी पिलाता है। बीड़ी हम नहीं पियावा के कौन पिलाया है? हमार चुन्नी ललवा पियाई से उसे बुलाओ ओका देखो भैया कौनो लालच से बलवाऊ गए किसी भी तरह अगर उसको नहीं बुलाओगे तुम्हारी पिलाई होगी। अरे नहीं मोर भैया हम जरूर होका बलवाऊ गए। हां तो जल्दी बुलाओ फिर ओ चुन्नी लाल यहाँ यार देख कहो के पैसा गिर गए अरे आइया यार 250 का नोट है 250 का 250 का 250 का हाँ आ वाह वाह तौलिया तौलिया अरे जल्दी आ कहाँ पैसा भैया हाँ इनका पैसा 250 के नोट देगी मारो बाबूजी को बीड़ी पिलाता है तू हम नहीं पिया वा वा वही कई काका का बीड़ी पियाए दियो उनके सेहत ठीक हो जाए और वही बीड़ी लावा हम तो बीड़ी पीता नहीं भैया अगर हम बीड़ी पियावा हुए तो काका से पूछ लियो काका का भगवान खिया जाए का है हम का हिए रहे का हां इसलिए कि तुम अमर हो ना भैया झूठ बोल बीड़ी है पियाई से बाबूजी बड़े भैया बाबूजी से पूछो सच सच ये बताएंगे बटुआ हाँ बाबूजी कही तो यही रिंकू है लेकिन मिलके दोनों पियाए बिड़िया भैया हाँ हमार गलती माफ करो सुनो हम बाबूजी के लिए इतना परेशान रहते हैं हाँ भैया अब आइंदा ये शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए अगर हमने सुन लिया साले तो कान पकड़ के ऊपर कर दूंगा फिर बड़े भैया अभी तक राधा बहन खाना लेकर नहीं आई देखो इसको साले खामोश हो जाओ ना कि याद करेगा साला ये अभी खाना लेकर राधा बहन नहीं आई इसलिए चलो हम नाराज होके बैठ जाते हैं आएगी देखो क्या करती है वो चल ठीक है यार बाबूजी आप ही बैठ जाइए भैया आज राधा बहन हमेशा तो भोजन लेके खाना लेकर आती थी आज लेकर नहीं आई है सब लोग मुंह जुड़वा कर बैठो अगल बगल और जब आ जाए ना तो बोला नहीं क्या बताऊं हमारे विशाल भैया राकेश भैया मुझे बहुत प्यार देते हैं बचपन में मेरी माँ का देहांत हो गया था माँ का प्यार तो नहीं पाई लेकिन दोनों भाई का प्यार पाई हूँ मैं स्कूल पढ़ने भी जाती हूँ हमारे भाई
मजदूरी करके अपने कमाई से मुझको पढ़ाते लिखाते हैं। आज खाना बनाने में देर हो गई मुझे, चलो कोई बात नहीं है, देखती हूँ मेरे भाई और विशाल कहाँ गए। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते, ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? भैया? हाँ वो बैठे हैं और ये इधर बैठे हैं। अरे वो तो नाराज लगते हैं। नाराज तो हैं। काहे के लिए? खाना लेकर नहीं आई हो ना। खाना लेकर? जो खाना बनाई थी ना उसको कुतिया खा गई है आज। कुतिया खा गई? हाँ। तो अब क्या खिलाओगी? मैं? हाँ दूसरा खाना बना के खिलाऊंगी। तो फिर ठीक है, अपने भाइयों को मनाओ और कहो कि मैं दूसरा खाना वो खाना बनाकर आई हूँ। चलो मेरे भाई हैं, मैं मना लूंगी ना। विशाल भैया, ये राकेश भैया। उधर जाती हूँ तो उधर दांत खाती हूँ, इधर जाती हूँ दांत खाती हूँ। और दिल घबराता है, आंसू भर आते हैं। दिल घबराता है, आंसू भर आते हैं। तुम जो रोते तो मेरी जान निकल जाती है। चलो कोई बात नहीं है, अगर मेरे दोनों भाई मुझसे नाराज हैं तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी। मैं अपने दोनों भाई से कभी बात नहीं करूंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी आज।